अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और घर पे होंगे। अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से, इस आफत से महफूज फरमाएं और आप भी अपने घरों में आराम से बैठें, स्टडी करें, माँ बाप के साथ रहें। पिछले टॉपिक में हमने प्रेजेंट डेफिनेंस के पैसिव वाइज पढ़े थे, नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस के। आज मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव्स पढ़ा रहा हूं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का तो पता आपको, सवालिया जुमले को कहते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई बात पूछी जाए, कोई सवाल किया जाए, उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव्स कैसे बनते हैं, पैसिव्स का मेथड तरीका भी मैंने आपको बताया, पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में। सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हम पांच तब्दीलियां करते हैं। वी मेक फाइव चेंजेस टू चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिवाइज। नंबर वन, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। नंबर टू, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब, एडिशन ऑफ बाय एंड, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ये पांच तब्दीलियां हम करते हैं सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए। आइए पढ़ते हैं इंडायरेक्ट सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट डेफिनेंस का सेंटेंस हमारे पास, डज शी लव द चिल्ड्रन। डज शी लव द चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन हमारे पास सब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट की जगह ले आ रहे हैं। चूंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो डज की जगह, चूंकि हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करते थे इज एम आर से, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ले आते हैं। चिल्ड्रन हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था, जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये प्लूरल नाउन है, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसके हम आर, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में, हेल्पिंग वर्ब फिर चिल्ड्रन, आर द चिल्ड्रन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, लव थर्ड फॉर्म, बाय का इजाफा किया और शी सब्जेक्ट था, उसकी ऑब्जेक्टिव के समय राइट की हर, आर द चिल्ड्रन लव्ड बाय हर, आर द चिल्ड्रन लव्ड बाय हर। Does Ahsan draw a picture? क्या Ahsan तस्वीर खींचता है? इस सेंटेंस में पिक्चर ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, ग्रुप सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तो ये सिंगुलर नाउन है। हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लाएंगे इज। Does इसमें चेंज हो जाएगा, इज अ पिक्चर ड्रा फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म लाएंगे इसकी ड्रॉन, इज अ पिक्चर ड्रॉन बाय का इजाफा किया और Ahsan सब्जेक्ट था, उस उन्होंने व्यक्ति का राइट किया लास्ट में, जो डब्ल्यूएल वर्ड्स होते हैं, उसको हम सेंटेंस के शुरू में राइट करते हैं। व्हाई सेंटेंस के स्टार्ट में लिखे इसको, लेसन सिंगुलर नाउन है, हेल्पिंग वर्ब इज लेके है, व्हाट इज अ लेसन, लर्न फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म लाइज के लिए हम लर्नड, व्हाट इज अ लेसन लर्नड बाय का इजाफा किया, यू सब्जेक्ट था तो यू को हमने ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल किया और फिर प्लस मत लगाया, व्हाट इज अ लेसन लर्नड बाय यू। व्हेन डू दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट कब खेलते हैं, क्रिकेट इसमें ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह लेके जाएंगे, क्रिकेट सिंगुलर नाउन है, will डायरेक्ट प्रोनाउन सेंटेंस के शुरू में ऐड किया इसको, ऑब्जेक्ट से जो हमने सब्जेक्ट बनाया उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर नाउन है, हमने हेल्पिंग वर्ब इज लगाया। व्हेन इज क्रिकेट प्लेड, फर्स्ट फॉर्म उसके बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया, व्हेन इज क्रिकेट प्लेड, वर्ब के बाद बाय का इजाफा किया और दे हमारे पास सब्जेक्ट था, उसके ऑब्जेक्टिव के समय राइट किया हमने देम, व्हाई इज क्रिकेट प्लेड बाय देम, डायरेक्ट सेंटेंस आखिर में क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल किया। Who rings the bell? Who की बात ना गौर से समझ ले कि who interrogative pronoun जो है, ये at a time interrogative pronoun भी है और at the same time ये subject भी है। दोनों सूरतों में हमारे पास word एक ही है, who, as a interrogative pronoun इसे इस्तेमाल करते हैं और as a subject भी इसे इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए subject के नॉर्मल में क्या किया, वो भी first form जैसे as के इजाफा किया और interrogative pronoun ने भी जैसे हमने क्या किया, सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया। Who rings the bell? Who rings the bell? Bell हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह राइट करेंगे, सिंगुलर नाउन है, इज आ गया हमारे पास, इज द बेल। अब who को हमने चेंज किया,
हूं की ऑब्जेक्टिव केस है हूं। एक्चुअल सेंटेंस हमारा यू बनता है इज द बेल रंग बाय होम, जैसे आप लिखा हुआ बाय होम इज द बेल रंग, बाय भी शुरू में आ गया, होम ये भी शुरू में आ गया, ऑब्जेक्टिव केस तो सेंटेंस के आखिर में होना चाहिए, इसको वर्ब के बाद होना चाहिए था, क्योंकि होम भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस भी है, आप इंटरोगेटिव प्रोनाउन होने की वजह से इसकी ये डिमांड ही है कि मैं मुझे सेंटेंस के शुरू में लगा, सेंटेंस के शुरू में लगाए। अगर इसको हम यू लिखते हैं इज द बेल रंग बाय होम, अब हो चुके इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, इसकी डिमांड है सेंटेंस के स्टार्ट में आने की, तो सेंटेंस फिर यू बन जाएगा होम इज द बेल रंग बाय, अब बाय प्रीपोजिशन है, इसकी डिमांड ये है कि इसके बाद कोई ना कोई नाउन आना चाहिए, अब बाय को हम आखिर में अकेला राइट नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या किया, क्योंकि बाय के बाद ऑब्जेक्ट होम है तो हमने बाय को उठा के होम के शुरू में लगा दिया, इसलिए सिंपल सी बात हम क्या करते हैं कि हम हु को चेंज कर देते हैं बाय होम, एक्चुअली इस मेथड के जरिए बाय होम सेंटेंस के शुरू में आया, होम इंटरोगेटिव प्रोनाउन है इसलिए सेंटेंस के शुरू में आ गया, बाय के बाद चूंकि कोई नाउन नहीं बचता प्रोनाउन नहीं बचता इसलिए उसको होम के शुरू में ले आए, तो सिंपली हम क्या कह देते हैं कि हम हु को चेंज कर देते हैं बाय होम में, बाय होम एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया, बेल ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्टिव हम ले आए, बाय होम इज द बेल रिंग फर्स्ट टर्म उसकी अब थर्ड टर्म यूज की रंग, बाय होम इज द बेल रंग। बच्चों आपको बात समझ आ गई होगी कि हु को हम कैसे चेंज करते हैं, हु राइट अ लेटर, हु राइट्स अ लेटर, हु को चेंज किया बाय होम में, बाय होम लेटर सिंगुलर नाउन है इज अ लेटर, राइट्स फर्स्ट फॉर्म है थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की, बाय होम इज अ लेटर रिटन। ये हो गए प्यारे बच्चों प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वाइज, आपने पढ़े इंशाल्लाह लेक्चर आप सुनेंगे आपको बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, करेक्ट यूज ऑफ वर्ब का क्या मतलब है, वर्ब की सही फॉर्म, वर्ब की दुरुस्त फॉर्म, जब हम सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं तो वहां हमें वर्ब की सब्जेक्ट के मुताबिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्ब की सही फॉर्म का इंतखाब करना होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसलिए हम कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं जो अलामात के तौर पर निशाने के तौर पर आते हैं आइडेंटिफिकेशन के तौर पर, जिससे पता चलता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का है, तो हमें वर्ब का इंतखाब करते हुए आसानी हो जाती है, अल्फाज को देखते हुए उनको एडवर्ब्स कहते हैं, एडवर्ब्स कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जो सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं, उसमें पता चलता है कि ये जब सेंटेंस में आ जाए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का जुमला है, तो हम अपनी फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के होता है, वो एडवर्ब्स कौन कौन से हैं, ऑलवेज seldom often usually regularly every day very much daily in the morning in the evening in summer in winter मौसम का जिक्र हो समर हो विंटर हो या फिर ऑटम हो स्प्रिंग हो मौसम किसी का भी जिक्र हो तो हम क्या कहते हैं वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनेट इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जांपल्स असलम डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग हमारे पास नीचे मैंने चार ऑप्शन दिए हैं फोर वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल की गई है इनमें से हमें सिलेक्ट करना है कि यहाँ ब्लैंक्स में कौन सी वर्ब की फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में क्या देगा सब्जेक्ट असलम सिंगुलर नाउन है इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे गेट यहाँ पे आना चाहिए गॉट आना चाहिए गेट्स या गेटिंग अब आप बताएंगे इसमें क्या आ जाइए क्योंकि असलम सिंगुलर नाउन है तो लिहाजा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस मतलब यहाँ पर गेट्स इस्तेमाल करेंगे गेट्स आसानी हो गई ही सिंगुलर प्रोनाउन है डू नहीं आएगा इसमें डज इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ही के साथ डज इस्तेमाल होता है ही सेल्डम डज हिज होमवर्क इट डैश इन विंटर मौसम का जिक्र हो गया यहां पे हम इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे
क्योंकि इट सिंगुलर प्रोनाउन है तो हम क्या कहेंगे, अब क्या करेंगे इसके इजाफे पे हमने किया, इट रेन्स इन विंटर, वी डैश टू स्कूल डेली, डेली एडवर्ब आ गया यहां पे प्रेजेंट डेफिनेशन की पहचान, वी प्लुरल प्रोनाउन है हम क्या करेंगे अपनी फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, वी गो टू स्कूल डेली, यहां पे अपनी फॉर्म क्या आएगी, गो टू स्कूल डेली, दे डैश न्यूज़पेपर एवरी डे वर्ब आ गया प्रेजेंट डेफिनेशन के लिए, दे प्लुरल प्रोनाउन है हम अपनी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, दे रीड न्यूज़पेपर डेली। यो मैम बच्चों आपके प्रेजेंट डेफिनेशन के करेक्ट यूज ऑफ वर्ब इसके आपने प्रैक्टिस करनी है, इनको तैयार करना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो हमारा टेस्ट होगा वो हमारा टेस्ट होगा प्रेजेंट डेफिनेशन के इंटरप्रिटेशन के पैसिव वॉइस और करेक्ट यूज ऑफ वर्ब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।